अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां कमला राजा प्रसूत गृह में एक अनोखी बच्ची ने जन्म लिया है। बता दें कि यह जन्मी नवजात बच्ची चार पैरों के साथ पैदा हुई है। चार पैरों से जन्मी इस बच्ची को देखकर हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैरान है। फिलहाल बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है। एहतियात के तौर पर इस अनोखी बच्ची को आइसोलेटेड वार्ड में शिफ्ट कर मशीन में रख दिया गया है, जहां डॉक्टर हर घंटे इसका चेकअप करेंगे। ग्वालियर के कंपू चौराहे पर स्थित कमला राजा सरकारी प्रसूत गृह में गुरुवार शाम को सिकंदर कंपू पर रहने वाली आरती कुशवाहा नाम की महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। जैसे ही इस अनोखी बच्ची की जन्म होने की सूचना जेएच अस्पताल के अधीक्षक आरकेएस धाकड़ को लगी, तो वह भी कमला राजा हॉस्पिटल जा पहुंचे, जहां उन्होंने इस बच्ची के स्वास्थ्य के संबंध में अन्य डॉक्टरों से चर्चा की। फिलहाल कमला राजा के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर इस अनोखी बच्ची को आइसोलेटेड वार्ड में शिफ्ट कर मशीन रख दिया है। यहाँ डॉक्टर हर घंटे अपनी अपनी शिफ्टिंग में इसका चेकअप करेंगे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।